हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी लोग जब भी ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोग एक चीज चाहते हैं, सिक्योरिटी, कि हमारे हम जो भी डाटा पे काम कर रहे हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हमारा डाटा हमेशा सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने एक्सेल के डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ना ही कोई भी व्यक्ति उसके अंदर कुछ टाइप कर सकता है और ना ही उसको डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आप ऑफिस का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं, चाहे ऑफिस 2007 हो, चाहे 10 हो, इस तरीके से कोई भी वर्जन हो। तो दोस्तों, आप होम मेनू पर जब रहेंगे, होम मेनू पर आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन देगा। जैसे ही फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे, जब रिव्यू मेनू में जाएंगे और रिव्यू मेनू में जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पासवर्ड दे देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर दोबारा यह पासवर्ड मांगेगा, फिर से हम पासवर्ड इसको रीएंटर कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसकी एक चीज आप ये देखेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो टाइप ही नहीं होगा, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होगा। अब बात आती है इसकी पासवर्ड हटाने की, तो आपको यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड शीट मिल रहा है। इसके अलावा आप होम मेनू पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर से इसके बाद हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट शीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी हम पासवर्ड दिए रहेंगे इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर टाइप हो रहा है।